हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी अभ्यास की, अभ्यास 6C। तो क्या क्या करना है लिखिए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो पदों संख्या कुछ नहीं, देखो पद कितने हैं इसमें, देखो एक दिया गया पद, इसमें कितना दिया गया पद, एक दिया गया, तो इसलिए पदों संख्या पूछ रहा है। तो पदों संख्या यहाँ लिख दो, कितना लिख दोगे यहाँ पे, एक। यहाँ पदों संख्या कितनी होगी, एक हो गई। यहाँ पे देखो एक एक्स प्लस के बाई, मतलब एक पद ये, एक पद ये, मतलब कितने हो गए, दो पद हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पद ये, एक पद ये, अब एक पद ये, तो इसलिए कितने पद हो गए, ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी, मतलब एक दो तीन, कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। अब इसमें देखो थ्री एक्स माइनस के फाइव जेड, मतलब एक पद ये, एक पद ये, मतलब कितने पद हो गए, दो पद हो गए। तो इस तरह से इन पदों की संख्या हो गए। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। अब देखो यहाँ पे कितने पद हो गए, एक दो तीन, सिंपल सा है, पद कितने हो गए, तीन। अब देखो यहाँ पे पद देखो कौन से पूछे जाते हैं वो देखना है कैसे। देखो यहाँ पे देखो एक चीज, देखो यहाँ डिग्री कितनी हुई, इस पे दो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी हो डिग्री हो रही है, एक हो रही है, इस पे डिग्री कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये पद हो गए, तो पद इसमें कितने हो गए, देखो यहाँ पे देखो पद हमारे लिए जाते हैं एक्स और वाई वाले, तो देखो एक दो, तो पद कितने हो गए, दो, और डिग्री कितनी हो गई, एक दो, दो और प्लस के एक, तो ये कितने हो गए, तीन। ठीक है, अब इसमें देखो पद देखो कितने हो गए, मिलाओ जरा, देखो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी कितनी है, डिग्री डिग्री पूछ रहा है, तो इस पर जीरो डिग्री होगी, यहाँ पे कितनी होगी, तीन डिग्री है। अब प्लस इसमें कितनी, दो इसकी और एक इसकी, कितने हो गए, तीन प्लस के तीन। तो अब यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री उनके पदों की डिग्री बताइए। अब देखो पद की डिग्री बता लग गई, तो तीन और तीन इसके, तो इसलिए से डिग्री कितनी होगी, तीन। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे डिग्री कितनी हो रही है, चार हो रही है इसकी, इसमें कितनी हो रही है, देखो दो इसकी और एक इसकी, कितने हो गए, तीन। और यहाँ पे देखो एक इसकी है, एक इसकी होगी, इसकी कितनी होगी, जीरो। ठीक, इस तरह से डिग्री निकाल लेते हैं, एक दो तीन चार। अब देखो चार ये क्या हो गए, चार ये हो गए, इसमें देखो एक और दो। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें कितने हो गए, बाई के पद पे कितने देखो दिया गया, यहाँ पे दो दिया गया, इसमें कितना दिया गया, यहाँ पे ये जीरो दिया गया, और यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है, देखो एक और दो, तो यहाँ पे कितनी हो गई, ये दो हो गई। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यंजकों की डिग्री है ना, ये वाली डिग्री, तो व्यंजकों सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, ये दो है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी है, दो है, तो इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, दो है, इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तीन, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। इसमें देखिए इसमें डिग्री हाईएस्ट कितनी है, चार, तो ये कितनी हो गई, चार डिग्री हो गई। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, दो है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये वाली डिग्री दो हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई डाउट हो बता देना। अब इन्हें व्यंजकों की हमने निकाली दी है यहाँ पे ये डिग्री, समझे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पूछा जाए तो डिग्री बता देना। ठीक, लिखा हुआ निम्नलिखित में सत्य और कथन बताइए। ठीक, लिखा हुआ है कि 5x² / z का द्विपद व्यंजक है, अब कथन सत्य बताना है। अब जो द्विपद व्यंजक है कि नहीं ये चेक करना है तुमको, द्विपद व्यंजक नहीं है क्योंकि उसमें दो पद होना चाहिए, इसलिए कथन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब लिखा हुआ देखो इसमें x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक है, देखो तो ये बात भी द्विपद व्यंजक नहीं है, क्या हो गया, असत्य बात हो गई। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2x² + 7xy, क्या लिख रहा है, द्विपद व्यंजक है, ये बात सत्य, क्योंकि एक पद ये और एक पद ये, तो व्यंजक कितने हो गए, दो पद हो गए, दो पद हो गए, दो पद व्यंजक हो गया, ये बात हमारी क्या होगी, सत्य बात हो गई। ठीक है, अब लिखा हो ax² + bx - c द्विपद व्यंजक है, असत्य बात, क्योंकि इसमें कितने हैं, एक दो तीन पद हैं, इसलिए ये कैसी बात हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट हो पूछ लेना।
अब लिखा हुआ देखिए, निम्नलिखित में एक पद, द्वि पद और तीन पद व्यंजक बताइए। देखो सिंपल से बता देना है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो एक पद ये, एक पद ये, तो ये कौन सा पद हो गया बता दीजिए। द्वि पद हो गया, तो यहाँ पे दे दिए द्वि पद ये, द्वि पद ये व्यंजक हो गया। अब इसमें देखो क्या है, एक पद है तो लिखेंगे एक पद ये व्यंजक हो गया। इसमें देखो एक दो तीन, तो यहाँ पर कितना हो गया, त्रिपदीय हो गया, त्रिपदीय। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो एक दो, इसमें कितने हैं, दो ही पद हैं, एक ये एक ये। इसमें देखो एक दो तीन थे, इसमें कितने, एक दो हैं, तो इसलिए लिख दोगे यहाँ पे द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, अब इसमें देखो एक ये एक ये एक ये, ये कितने हो गए, त्रिपदीय हो गए। यहाँ लिख दो त्रिपदीय व्यंजक। कितने सिंपल क्वेश्चन थे, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 7xy प्लस के 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है। अब देखो इनको देख लेते हैं, अब हमको छांटना क्या है, ये कौन सा पद व्यंजक। अब देखो यहाँ पे एक पद, दो पद और तीन पद, पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। अब सीधे सीधे सिंपल से बता सकते हो, उसमें कुछ कहने की बात नहीं, तीन पद हो रहे हैं तो लिख दो यहाँ पे त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिखा हुआ है लिखो, अब यहाँ क्या कह रहा है, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपने बहन एवीना को दे दिया, तो ज्ञात कीजिए नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। अब देखो बात सिंपल सी बात, उसके पास आम कितने थे, यहाँ पे आम उसके पास कितने थे, 3x आम थे, पर उसने क्या कर दिया, 2y उसने आम को अपनी एवीना बहन को दे दिया, तो कितने शेष बचे, ये बचेगा शेष। तो इस तरह से ये पद हो गया, क्योंकि अगर अंक होते तो उनको हटा लेते, हमारे ये क्या है, ये व्यंजक है, इसलिए इनको नहीं हटा सकते डायरेक्ट जब तक इनकी वैल्यू ना रखी जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। शेष आमों की पद आम संख्या देखो कितनी है, शेष आम बचे हुए, तो इसमें कितने पद, एक पद और दो पद, तो यहाँ लिख दो सीधे दो पद। ठीक है, कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। अब सीधी बात है, दो पद हैं तो क्या कहेंगे, दो पदी द्विपदीय कहेंगे, द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो पूछ लेना, तब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ये चैप्टर हो जाता है आपका द एंड। ठीक।